नमस्कार दोस्तों, आईएससी 555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे किसी बॉक्स में अच्छे से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फोन नंबर है, आप वहां से जाके हमसे बात करके कोरियर के थ्रू अपना सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं। आइए देखा जाए, हमारे पास आज एक ये वेन्यू का सिस्टम आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि चलिए हम इसमें सप्लाई देके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बार बस ये हल्का सा हुंडई लिखा हुआ था, आपने देखा अभी, ये देखिए निकालते हैं, ये देखिए सिर्फ हुंडई लिखा आता है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं चलता है, ना इसमें ब्लूटूथ ना पेन ड्राइव, मतलब स्क्रीन कुछ आती नहीं है, ना कुछ आप टच कर सकते हैं, बाकी ये सिस्टम एक तरीके से डेड है। आइए देखा जाए इसमें प्रॉब्लम क्या है और फाइंड आउट किया जाए, इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर ये रिपेयर हो जाता है तो। आइए देखते हैं इस सिस्टम में हम सप्लाई लगाते हैं। ये देखिए सप्लाई लगाने पे इसमें कोई हरकत नहीं है, मतलब ये सिस्टम कंप्लीट डेड है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे पानी चला जाता है आपका, तब यहाँ पे ये आपका जैक जो है ख़राब हो चुका है। आइए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये स्ट्रिप है इसकी, ये जल चुकी है और इसके जहाँ पे कनेक्ट होता है ये कनेक्टर, ये भी ख़राब हो चुका है। ये मोस्टली होता है पानी जाने से, अगर आपका यहाँ एक बूंद भी पानी चला जाता है तो ये यहाँ वोल्टेज आती है 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट ग्राउंड के साथ जाके शॉर्ट हो जाती है। तो चलिए हम पहले इसके कनेक्टर को चेंज करते हैं और हम देखते हैं। कनेक्टर हमने हीट के द्वारा निकाल दिया है जैसा आप देख सकते हैं, और इस कनेक्टर को जहाँ पे ये लगा हुआ था थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम पहले इसको सोल्डर कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे आपका एक प्रिंट भी टूट चुका है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके जस्ट बगल वाला प्रिंट जो है एक ही प्रिंट है। तो आइए अब इसमें हम दूसरा कनेक्टर लगाते हैं। ये देखिए हमें सेम कनेक्टर तो नहीं मिला, लेकिन ये 60 पिन कनेक्टर होता है तो हमें एक एक करके लगाना पड़ेगा, और इसमें इतने बारीक पिन है कि एक अगर लगाते हुए गलती हो गई तो आप देख सकते हैं बहुत बारीक पिन है, इतने बारीक पिन है कि एक लगाते हुए गलती हो गई तो दूसरे वाले से जाके चिपक जाता है। और अगर ऐसा होता है तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि बोर्ड में कहीं और शॉर्टिंग हो जाए या जो सिस्टम चल रहा हो वो भी बंद हो जाए। आइए पहले इस हमने इसे लगा दिया है और इसे हम क्लीन करके चेक करते हैं। कोई भी काम करने के बाद सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस बन जाती है जिसमें सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन कोई नहीं। आइए हम इसे लगा तो चुके हैं, अब इसे चला के देखते हैं। हमें इसको चेंज करना पड़ गया, ये देखिए न्यू स्ट्रिप भी लगानी पड़ी हमें क्योंकि वो पुरानी स्ट्रिप इसकी जल गई थी। और इसे ऑन करते हैं, ये देखिए पुरानी स्ट्रिप है इसकी। आइए ऑन किया जाए इसको, ये देखिए बिल्कुल अब ये सिस्टम ऑन हो चुका है, हमने एक मरे हुए को ज़िंदा कर दिया अब इसकी लाइफ बन चुकी है। चलिए इसमें स्पीकर जोड़ के मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। मेन्यू आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ बढ़ भी रही है। बैंड FM और FM में हम जाके चेक करते हैं। ये देखिए आइए अब देखा जाए, अब हमने इस सिस्टम को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। ये देखिए इसकी स्ट्रिप ख़राब थी और इसका ये कनेक्टर जो था ये भी ख़राब था, दोनों को चेंज कर दिया गया है, और प्लस में इसके जो प्रिंट्स थे वो भी सही कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हल्का सा पानी गया हुआ था इसमें, बहुत माइनर, मान के चलिए 1 से 2 बूंद पानी होगा, लेकिन फिर भी इस सिस्टम को इसने पूरा का पूरा बंद कर दिया। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें आप कि आपके सिस्टम में कहीं से भी पानी ना जाए, और कभी भी आपका सिस्टम एक बार दो बार रीस्टार्ट होता है, मन मर्जी चलने लगता है, तो उसको खुलवा के ज़रूर चेक करवाएं। मोस्टली वरना क्रेटा, वेन्यू,
i20 ऐसे सिस्टम जो हमेशा बहुत अच्छे चलते हैं, कभी इनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन सडनली अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आने लग जाए, चाहे किया का भी सिस्टम हो, या तो उसकी टच कम काम करने लगे, या कभी कभी चलते चलते रीस्टार्ट होने लगे, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपेयर कराने की कोशिश करें। आइए ये देखा जाए, इसमें देखिए FM चल रहा है, इसमें अब बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। चलिए आइए इसमें हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है। ऐड डिवाइस करके हमें आ जाएगा वेन्यू, फिर हमें फ़ोन में सर्च करना है, सर्च ऑप्शन में जाके ब्लूटूथ सर्च, ये देखिए नीचे आ गया वेन्यू, इस पर क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा पासवर्ड, बस आपको यस करना है पेयर होकर। ये हमारा सिस्टम नहीं है तो इसलिए हम इसे कॉन्टैक्ट के अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट छोड़िए, आप अलाउ कर लीजिएगा। बाकी आइए अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। सॉन्ग प्ले करने के लिए हमें इसमें मीडिया को दबाना पड़ेगा, ये रहा आपका नीचे बटन जो है मीडिया, ये देखिए। आइए अब हम इसमें गाना चलाते हैं, सबसे ऊपर गाना है ये तेरा बन जाऊंगा, ये देखिए सिस्टम में भी आ चुका है।